For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Hello guys, this is Jyoti Nahak and welcome to Movies Adda. Bigg Boss के घर में जैसे ही contestants के connections आए हैं, घर में बहुत सारी बाहर की बातें reveal हो रही हैं, बाहर के किस्से, बाहर की gossips जो है वो अंदर clarify हो रही हैं. ऐसे में एक जो छोटा सा नया group बना था, रश्मि का, आसिम का और विशाल का, उस ग्रुप में हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है हिमांशी खुराना जब आई है तो वो बात कर रही है आसिम से रश्मि के बारे में, और साथ ही साथ काफी चीजें हिमांशी ने एक्सपोज भी की हैं. जी हाँ, अपने बारे में तो काफी बातें की ही हैं, लेकिन बाहर से हिमांशी जो है वो लेकर आई है अरहान का मैसेज आसिम के लिए, क्योंकि जिस तरीके से रश्मि का गेम प्लान हम देख रहे हैं, हाल फिलहाल में वो बहुत ज्यादा सिद्धार्थ के साथ हंसी मजाक कर रही है, सिद्धार्थ के साथ बहुत ज्यादा बातें कर रही है, फ्लर्ट करती हुई नजर आ रही है. अब ऐसे में ये देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प ऑडियंस के लिए हो ही गया, लेकिन कहें कि विशाल और आसिम को ऐसा लगता है क्योंकि रश्मि इस बार सेफ है, अपने सेफ होने की वजह से कहीं ना कहीं वो इस बार उनका गेम डिफरेंट नजर आ रहा है, और साथ ही साथ वो खुलकर बाहर सामने नहीं आ रही है, बहुत पीठ पीछे चीजें कर रही है. अब ऐसे में अरहान ने हिमांशी से कहा है कि आसिम को थैंक यू करने के लिए, क्योंकि आसिम ने उनका स्टैंड लिया लेकिन रश्मि ने नहीं लिया. अरहान के जाने के बाद से रश्मि वालों का सडन सिद्धार्थ की दोस्त बन गई है, पर अरहान काफी ज्यादा अपसेट है, और अरहान ने यह भी कहा है कि अगर उन्हें मेरे जाने के बाद उनसे दोस्ती ही करनी थी तो फिर मेरे रहते में मेरा उनसे लड़ने का क्या फायदा, क्योंकि अरहान ने काफी बार सिर्फ और सिर्फ रश्मि के लिए स्टैंड लेते हुए सिद्धार्थ से बहस की है, सिद्धार्थ से लड़ाई की है. और उन चीजों के बाद आसिम ने भी रश्मि से कहा था कि अरहान की जिस तरीके से शर्ट फाड़ी थी सिद्धार्थ ने, वो सब आप भूल गई, आप कैसे भूल सकती है सारी चीजें, आपको स्टैंड लेना चाहिए, आप फिर भी सिद्धार्थ से बात कर रही हैं. तो इन तमाम चीजों पर जो है अरहान काफी अपसेट है, और हिमांशी ने बताया कि वो बंदा लिटरली रोया मेरे सामने. जी हाँ, अरहान रो पड़े हिमांशी के सामने कि नेशनल टेलीविजन पर मेरी बेइज्जती हुई, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इल्जाम लगाए गए, अगर रश्मि देसाई चाहती तो वो उन चीजों का, वो उन अपमानों का बदला या फिर क्लैरिफिकेशन नेशनल टेलीविजन पर ही कर सकती थी, पर उन्होंने नहीं किया, जहां पर रश्मि देसाई बहुत कुछ कह सकती थी पर उन्होंने नहीं क्लैरिफाई किया. अब ये या तो रश्मि का गेम प्लान हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि वो इमेज कॉन्शियस बहुत ज्यादा हो रही है, जिसके रीजन से वो अरहान को लेकर कुछ भी कमेंट नहीं कर रही है, अरहान को लेकर कितनी बातें हो रही हैं, नेगेटिव बातें कही जा रही हैं, जिस पर रश्मि कुछ नहीं कह रही है. तो अब ये सारी बातें हिमांशी ने एज अ मैसेज आसिम और विशाल को दे दी है. अब देखना होगा कि आसिम और विशाल जो है रश्मि पर उतना ही ट्रस्ट कर पाते हैं या नहीं. अब इस चीज पर आपका क्या ओपिनियन है, अरहान के इस मैसेज पर जो हिमांशी लेकर आई है आसिम और विशाल के लिए, इस पर आपका क्या कहना है, आप लोग मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में. ज्योतिना हाथ साइनिंग ऑफ.